फर्स्ट गियर में कितना जाती है देखते हैं। सो लेट स्टार्ट, 1 2 3। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई आज आप देख सकते हो अपने पास है रॉयल एनफील्ड की नई गोरिल्ला 450। तो भाई इसको मतलब गोरिल्ला या गोरिल्ला, लाइक अभी इसका नाम तो गोरिल्ला ही पढ़ने वाला है, आप मतलब कितना भी ये कर लो क्योंकि लोग इसे गोरिल्ला ही बोलेंगे एंड ऑफ द डे। 450 हिमालयन का इंजन है इसके अंदर, बॉस 450 cc का, तो काफ़ी पावरफुल इंजन है इसके अंदर। उसका पूरा रिव्यू करेंगे, इसका मैं आपको वॉक अराउंड दे दूंगा और प्लस इसका राइडिंग रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि गाड़ी की मतलब चलाने में कैसी है, इसके सस्पेंशन, इसका इंजन परफॉर्मेंस, का हैंडलिंग एंड राइडिंग जो कैसी है वो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की ये गाड़ी 450 cc की गोरिल्ला 452 लिक्विड कूलिंग सेपा इंजन के साथ आता है। इसके अंदर हिमालयन का इंजन है, उसी को इन लोगों ने मैपिंग किया हुआ है, इंजन सेम है, मैप किया हुआ है। इवन इसका जो गियर बॉक्स है वो भी हिमालयन से सेम है। अब जो इसकी हाइट है वो हिमालयन जैसी ऊंची नहीं है, ये थोड़ी सी छोटी है। तो मतलब जो शॉर्ट राइडर्स है जैसे 5.7, 5.8 या मे बी 5.5 भी इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। और लाइक गाड़ी का वेट हिमालयन से मतलब इन लोगों ने कम किया है। तो कम करने के अंदर सबसे पहले जो चीज़ इन लोगों ने रिड्यूस की है वो है इसका टैंक। तो हिमालयन का जो टैंक होता था वो आपको 17 लीटर्स का या 16 लीटर्स का कुछ आता था, अब ये जो टैंक है वो 11 लीटर्स का है। तो गाइज इसका मैं आपको पहले वॉक अराउंड दे देता हूँ, पूरी तरीके से सारी डिटेल्स बता देता हूँ और उसके बाद इसका राइडिंग रिव्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड। तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी हेडलाइट मिल जाएगी जिसमें मतलब डुअल है, ये LED हेडलाइट्स है और इसके ऊपर ये कवर मिल जाता है। आई थिंक ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये मेरे को टेस्ट ड्राइव में साथ में ही मिला है। उसके नीचे आपको नंबर प्लेट के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ये इंडिकेटर्स सेम हिमालयन के इंडिकेटर्स है। उसका मड गार्ड, सो इसमें आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। सो दिस टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इज 43 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब इसके अंदर मेरे को एक चीज़ सही नहीं लगी कि मतलब 450 सीसी का जो सेगमेंट है, इसके अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आती है ज़्यादातर ने सबने अपसाइड डाउन USD देते हैं, बट इसके अंदर आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे। अब जो आगे का जो टायर देख रहे हो आप, ये टायर काफ़ी वाइड है इसका, एज यू कैन सी। सो फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा 120/70 R17 का, 17 inch का रिम मिलेगा इसके अंदर और आपको 320 का इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और प्लस ये आपको बेबर के इसके अंदर कैलिपर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा दोनों साइड पर। अब उसके बाद यहाँ पे इसका रेडिएटर दिया हुआ है, तो मतलब ये कूलेंट डालने के लिए। तो लिक्विड कूल इंजन है, तो इंजन की बात करूँ तो इंजन 452 सीसी का लिक्विड कूलिंग इंजन है ये और सेपा इंजन है ये। सो ये सेम हिमालयन के अंदर जो इंजन आता है वही है, बट इसके अंदर मैपिंग थोड़ी की हुई है क्योंकि हिमालयन इंस्टेंट आपको पिकअप नहीं देंगी, जो ये इंजन में जिस तरीके से मैपिंग की हुई है तो आपको इंस्टेंट पिकअप मिल जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से इसका साइड का कुछ लुक है। सो लुक वाइज आपको ये गाड़ी कैसे लग रही है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना नीचे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ब्रेकिंग का इसका पैड, ये आपका फुटरेस्ट, उसके बाद ये पीछे वाला फुटरेस्ट और इस तरीके से इसका कुछ एग्जॉस्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हो गोरिल्ला की आपको बैजिंग मिल जाएगी बीच में एक पैनल के ऊपर। सो अब ये साइड पे इसका जो पीछे का जो टायर है, आप ये टायर देख रहे हो, सो ये टायर वाइडेस्ट टायर है इन द रेंज, मतलब इससे वाइड टायर कोई बाइक के अंदर आता ही नहीं है। अब मैं आपको इसका जो नंबर्स बताऊं तो इसका नंबर्स देखो कितना है, 160/60 R17 17 inch का है ये। आगे भी आपको 17 इंच मिलता है बट वो 120 मिलता है, पीछे आपको 160 मिल रहा है, ठीक है। और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और ये टायर के अंदर एक्चुअली बेनिफिट्स भी और प्रॉब्लम्स भी है क्या, क्योंकि ना ये टायर दूसरी कोई बाइक्स में आता नहीं है, तो आपको मतलब हर जगह पर टायर अवेलेबल मिलेगा नहीं, तो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है इसका। उसके बाद ये सस्पेंशन आप देख सकते हो, ये मोनोलिंक सस्पेंशन है और इस तरीके से यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है इसके सीट का, सीट ओपन करने का लॉक यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अब इसके पीछे से अगर इसको देखें हम लोग, तो पीछे आपको इस तरीके से कुछ पीछे से मिल जाती है, सेम हिमालयन की टेल लाइट्स मिल जाती है और पीछे मतलब बहुत ही कम स्पेस दिया है। ये पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अब ये साइड पर अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पर आपको ग्रैब रेल यहाँ पर दिया हुआ है, जो पीछे आती थी वो साइड में दी हुई है ग्रैब रेल, ये दोनों साइड में। इसके अलावा यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दिया हुआ है और ये इसकी जो चेन है वो नेकेड है, तो चेन तो मतलब आपको टाइम टू टाइम सर्विस कराना पड़ेगी। आई थिंक ये बाइक के अंदर ही मुझे थोड़ा सा रस्टिंग लग रही है चेन में अभी से ही। सो ये टेस्ट बाइक है इसलिए इतनी गंदी है, सो प्लीज़ डोंट माइंड कि ये गाड़ी बहुत गंदी है करके। उसके अलावा ये साइड पर आपको दूसरा फुटरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दूसरी गोरिल्ला की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर आपको घेर मिल जाएगा। तो अब ये घेर नॉब है इसके अंदर, मतलब ये 6 घेर है और ये सेम मतलब हिमालयन वाला ही है, सेम टू सेम हिमालयन वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। आपको आगे का फुटरेस्ट मिल जाएगा, इसके अंदर आपको मेन स्टैंड मिल जाता है और साइड स्टैंड भी मिल जाता है।
उसके बाद ये गार्ड जो लगा हुआ है, ये गार्ड भी लगा हुआ है, बट ये गार्ड कुड भी बेटर आई थिंक। मतलब ये कितना मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि ये कितना आपको सेफ करेगा, क्योंकि मतलब ये गार्ड इस तरफ गिरेगा तो आपका टैंक लगना ही है। तो इस साइड से इसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके सो अब जो इसका टैंक है, इसे मतलब है ना टीयर ड्रॉप टैंक बोलते हैं, जैसे आंसू मतलब जो ड्रॉप होता है ना, तो उस तरीके से ये टैंक बनाया हुआ है। और इसको मतलब सेंटर के अंदर नहीं है, आपका जो पेट्रोल फिलिंग का है वो साइड में दिया हुआ है स्टायरिंग के लिए। और सेकंड जो मतलब सीट है इसकी, अब ये सीट देख रहे हो तो सीट मतलब इतनी लंबी सीट तो नहीं है, बट ये सीट का जो कर्व दिया है ना कर्व, सो ये कर्व से मतलब है ना शॉर्ट राइडर्स को भी काफ़ी ईजी होगा इसके ऊपर बैठ के चलाने के लिए, एज यू कैन सी। और जो इसका जो कुशनिंग है, कुशनिंग इज़ अ गुड, मतलब अच्छा है, सॉफ्ट है, मतलब एक कंफर्टेबल राइड के लिए काफ़ी अच्छी है। सो गाइज इस तरीके से इसके कुछ मिरर है, तो मतलब मिरर तो मतलब लाइक मतलब आप बोलोगे 10 में से मैं इसको 0 ही दूंगा, क्योंकि ये मतलब प्रॉपरली रहते ही नहीं है और बहुत हिलते हैं और लाइक और बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मतलब थोड़ा सा अच्छे मिरर्स दे सकता था रॉयल एनफील्ड इसके अंदर। सो इसका जो हैंडल बार है, ये साइड में आपको मिल जाएगा पासिंग का बटन, एंड दिस इज़ फॉर दी हेडलाइट ऑन एंड ऑफ। और ये यहाँ पर आपको कुछ होम बटन मिल जाता है, ये आपको इंडिकेटर्स का बटन, रेड टू लाइट, यहाँ पे हॉर्न मिल जाएगा आपको, और ये आपको नेविगेशन करने के लिए अपना ये डिजिटल कंसोल आपको नेविगेट करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। उसके अलावा राइट साइड में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंजन स्टॉप ऑन और इग्निशन का बटन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मोड चेंज करना है, तो इसमें दो मोड आते हैं, एक प्रो मोड आता है, इको मोड आता है, तो ये मोड चेंज करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। उसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं हम लोग। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरीके से स्टार्ट में कुछ गोरिल्ला लिखा हुआ आएगा आपको, और ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये, और ये वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो हिमालयन के अंदर आता है। यहाँ पे आपका टैकोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका ऑडोमीटर है एज यू कैन सी, और इसमें लिखा होता है ABS है, तो ये डुअल चैनल ABS है, तो मैंने आपको बताया नहीं। इंजन माल फंक्शन साइड, और ये कुछ चेक इंजन लाइट जो भी आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे आपको टाइमिंग मिल जाएगा और यहाँ पे टेम्परेचर भी मिल जाएगा इसके अंदर। उसके अलावा अब और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा वो नेविगेट करके देखते, देखो ये साइड पे आपको Trip 1 मिल जाएगा, ये Trip 2 है इसके अंदर, और फ्यूल रेंज। अच्छा मतलब इसके अंदर अभी कितना किलोमीटर्स, मतलब कितना पेट्रोल है, कितना किलोमीटर चलेगी वो बता रहा है आपको, फ्यूल रेंज और फ्यूल कंजम्पशन बताएगा इसके अंदर आपको रियल टाइम कितना आप फ्यूल कंजम कर रहे हो। उसके अलावा बैटरी का वोल्टेज बताता है और इंजन टेम्परेचर बता रहा है, तो इंजन टेम्परेचर अभी फ़िलहाल मैं चला के आया हूँ तो इसका 60 डिग्री पर है कुछ, तो ये सब चीज़ें आपको इतनी मिल जाएगी इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर क्या मिल रहा है, अपीयरेंस, ट्रिप प्रीफ्रेंस, माय व्हीकल, सिस्टम इंफॉर्मेशन, फेवरेट, मतलब ये नेविगेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है करने के लिए अगर आप देखोगे तो, बैकग्राउंड ऑटो और ये डार्क थीम। तो इसके अंदर आपको मतलब मैं जब राइड करूँगा तब बताऊँगा, जब आप मतलब डार्क बैकग्राउंड में आओगे तो ये जो ब्लैक कलर है ये वाइट हो जाएगा, और अगर आप लाइट बैकग्राउंड के अंदर आते हो तो ये वापस मतलब ब्लैक हो जाता है आपको प्रॉपरली देखने के लिए। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस ऐसा डे लाइट के अंदर अच्छा खासा दिख रहा है, अभी तो थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है, मतलब इतना सनी नहीं है, तो अच्छे से प्रॉपरली दिख रहा है ये। अभी एनालॉग से ये डिजिटल मीटर में आ गया मैं, सो ये डिजिटल मीटर के अंदर आपको मिल जाएगा, एनालॉग से डिजिटल मीटर इस तरीके से कुछ होगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको नेविगेशन मिल जाएगा जो गूगल मैप है, बस नेविगेशन के अंदर इसकी एक प्रॉब्लम है कि मतलब जो ऐप से कनेक्ट होता है तो मतलब आपने अगर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, मतलब स्क्रीन ऑफ कर दी, तो नेविगेशन हट जाता है, तो इसके अंदर ये एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके ऊपर आई थिंक रॉयल एनफील्ड को वर्क करना चाहिए, वो करेगा अभी मे बी। इसकी जो कीज़ है आपको बहुत ही सिंपल सी मिल जाती है की, आपको कुछ इतनी रॉयल एनफील्ड की जो टिपिकल की आती है वैसी मिल जाती है जैसे बुलेट की आपको आती है। तो इसमें USB आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो सी टाइप का ये USB आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डोंट नो, काफ़ी नीचे दिया हुआ है, सी टाइप का USB दिया हुआ है इसके अंदर। तो गाइस चलो राइड चालू करते हैं इसका राइडिंग रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको इसे इंजन की वॉइस सुना देता हूँ कैसी है। तो गाइस इसके इंजन का आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट राइडिंग रिव्यू नाउ। तो राइडिंग रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 टाइप के वेरिएंट्स मिल जाएंगे, एक गोरिल्ला 450 एनालॉग मिल जाएगा जिसका एक्शोरूम प्राइस 2,39,000 है, और एक गोरिल्ला जो डैश मिल जाएगा उसके अंदर आपको ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जिसका प्राइस है 2,49,000, और जो तीसरा है वो जो टॉप मॉडल फ्लैश है, तो फ्लैश आपको मिल जाएगा एक्शोरूम प्राइस में मतलब मुंबई के अंदर 2,54,000 का। सो गाइस दिस इंजन इज़ वेरी स्मूथ यार, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब क्या पिकअप दे रहा है
है, ये इंजन बहुत ही अच्छा पावर है इसका, और ये बिगनर्स के लिए नहीं है आई थिंक, क्योंकि बिगनर्स इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो लाइक जो एक्सपीरियंस राइडर है या मैच्योर राइडर है उन्हीं के लिए ये बाइक है। सो मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, मतलब लॉ एंड थोड़ा सा कम है, बट जैसे ही 2500 क्रॉस करता है वैसे इसका मतलब पिकअप एकदम बढ़ जाता है गाड़ी का, बाइक स्टार्ट फ्लाइंग लाइक लिटरली, ऐसा आई कैन फील इट लाइक। और जहाँ तक वाइब्रेशंस की बात है तो वाइब्रेशंस है बट इतने नहीं है जितने पुरानी जो नॉर्मल टिपिकल जैसे रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में आता है, इसमें वाइब्रेशन थोड़ा कम है। और जो इंजन है मैंने आपको बताया 452 सीसी का इंजन है, इसके अंदर लिक्विड कूलिंग इंजन है, तो काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जो 40 का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 40 का ही पावर भी प्रोड्यूस करता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा पावर प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक एक गाड़ी ऐसा लिटरली उड़ ही है मुझे लग रहा है सेकंड थर्ड गियर के अंदर। तो गाइस पावर को लेकर आपको कुछ कमी फील नहीं होने वाली है बाइक के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो जो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टीफर साइड पर दिए हुए है, सो यू कैन फील द पॉट होल्स एंड सो आई स्टिल थिंक कि अगर आगे के सस्पेंशन के अंदर USD दे दिया होता तो बहुत ही बेटर, मतलब सस्पेंशन लगते थे हिमालयन के जैसे। हिमालयन की जो सस्पेंशन है वो लाइक बेस्ट इन द क्लास है, मतलब उसके जैसे किसी बाइक के सस्पेंशन नहीं होते, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट इसके अंदर सस्पेंशन आपको थोड़े स्टीफर साइड पर मिलेगी और मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक होगा, मतलब थोड़ा स्टिफ है तो आपको पोर्ट होल्स पता चलेंगे। बैक सस्पेंशन थोड़ा अच्छा है मतलब, बट फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़े मतलब इतने अच्छे नहीं है जितने हिमालयन के अंदर आते हैं, आप हिमालयन से कंपेयर नहीं कर सकते सस्पेंशन वाइज। सो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं गियर शिफ्टिंग की, तो गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी स्मूथ है और मतलब फॉल्स गियर नहीं पड़ते। अगर आपको गाड़ी न्यूट्रल में डालनी है तो न्यूट्रल में आ जाती है, नहीं तो बहुत सारी बाइक में न्यूट्रल में जाती नहीं है, फर्स्ट या सेकंड के अंदर जाती है, एवरी टाइम यू हैव टू पुट ऑन अ न्यूट्रल। बट इसके अंदर एकदम ईजिली मतलब गियर शिफ्ट हो रहा है, बट इसके अंदर मेरे को पैर के अंदर जो गियर का नॉब है वो लग रहा है, पता नहीं मतलब ये गाड़ी थोड़ा टेस्ट ड्राइव वाली व्हीकल है और काफ़ी यूज़ हो गई है मे बी, तो उसकी वजह से थोड़ा ऑयलिंग की ज़रूरत है इसको, तो दैट्स वाई वो थोड़े से हार्ड हो गए तो दैट्स वाई मुझे पैर पे लग रहे हैं। बाकी गियर शिफ्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एट द सेम टाइम क्लच भी काफ़ी लाइट है इसका, कोई मतलब हाथ को ऐसा दुखेगा नहीं आपको, तो ट्रैफिक के अंदर कम्यूट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और द थर्ड थिंग अब जो बात करें इसके वेट की, तो इसका वेट हिमालयन से कम है, तो मतलब ये सिटी के अंदर आपको मैन्योर करने के लिए एकदम ईजिली अच्छे से मतलब मैन्योर कर सकते हो आप, तो इतना वेट पता नहीं चलेगा आपको, ट्रैफिक के अंदर भी आप इसको अच्छे से मैन्योर कर सकते हो। जहाँ तक हैंडलिंग की बात है तो हैंडलिंग भी मतलब वही काफ़ी अच्छे से हो रही है, तो मतलब वेट कम होने की वजह से इसके हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और काफ़ी अच्छे से मतलब यू कैन टेक अक्रॉस दी ट्रैफिक, सो हैंडलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा मेरे को हैंडलिंग के अंदर भी, और वेट भी फील नहीं होता इतना मतलब राइडिंग करते टाइम पे। तो बात कर लेते हैं माइलेज की, तो माइलेज आपको कुछ अप्रॉक्सीमेटली मिलने वाला है आपको सिटीज़ के अंदर 30 के अराउंड इसका माइलेज मिलेगा, मतलब आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि 31 भी मिल सकता है आपको या 35 तक मे बी हाईवे पे आपको मिल जाएगा इसका माइलेज, बट सिटी के अंदर आपको 28 29 30 के बीच में ही मिलने वाला है इसका माइलेज। तो गाइस अब चेक करते हैं इसकी ब्रेकिंग, सो पीछे का जो ब्रेक है, पीछे का ब्रेक इतना मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि अप टू मार्क नहीं है, अप टू मार्क है पीछे का ब्रेक भी, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग्स है। अब आगे का जो ब्रेक है वो ट्राई करते, तो पीछे जो ड्रम ब्रेक होता है उसकी वजह से इतना मतलब सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है, बट आगे के ब्रेक ट्राई करते अभी। गाइस आगे के ब्रेक तो मतलब काफ़ी मस्त है, मतलब पूरी प्योर आपको बाइट दे रहे हैं, और कंबाइंड अगर आप दोनों मारोगे तो आप फुली सेटिस्फाई ब्रेकिंग करोगे, तो ब्रेकिंग्स काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीटिंग की, मतलब इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है, तो मतलब एक सिंगल राइडर के लिए मतलब सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और पिलियन के लिए पीछे की सीट थोड़ी छोटी है, तो पिलियन के साथ तो मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आगे बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, काफ़ी मतलब लाइक ऐसा अच्छा फील आ रहा है सीट के ऊपर, और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब लॉन्ग राइड के ऊपर भी ये सीट आपको पेन देगी करके। सो गाइस इसके जो टायर है, टायर्स का ग्रिपिंग भी अच्छा है, क्योंकि वाइडेस्ट टायर है, पीछे का जो टायर है वो काफ़ी वाइड है, और आगे के टायर्स भी अच्छे खासे वाइड है, 120 सेक्शन के मिल रहे हैं, पीछे आपको 160 मिल रहा है, तो ग्रिपिंग मतलब ब्रेकिंग के टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छी मिली, और काफ़ी कॉन्फिडेंस था मतलब ब्रेकिंग करने के टाइम पे भी, क्योंकि ब्रेकिंग्स भी अच्छी है इसकी और टायर भी वाइड है, तो आपको काफ़ी ब्रेकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस मिलने वाला है इसके अंदर, तो टायर को लेकर भी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सो गाइस इसमें दो मोड्स आते हैं, एक परफॉर्मेंस मोड आता है और इको मोड आता है, तो परफॉर्मेंस मोड के अंदर तो बहुत ही अच्छी मतलब परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, काफ़ी मतलब पावर मिलेगा, बट जो राइडिंग मोड इको मोड पर अगर ये गाड़ी जब चली जाती है ना, तो इको मोड में इतना अच्छा पावर नहीं मिलता है, मतलब आप अगर परफॉर्मेंस मोड पे चला रहे हो उसके बाद तो फौरन इको मोड पे स्विच करोगे तो आपको पावर का बहुत लैक लगेगा, तो इको मोड में आपको माइलेज अच्छा मिलेगा बट पावर की थोड़ा लैक मिलेगा, तो लाइक वो आप मेरे को लगता है कि आप जब भी ये बाइक लोगे तो आप
इको मोड पे नहीं चलाओगे इसको, परफॉर्मेंस मोड पे चलाओगे क्योंकि उसके अंदर मज़ा आती है चलाने में। सो गाइस आगे बात कर लेते हैं कि इसके प्रो क्या है और कॉन्स क्या क्या है इस बाइक के अंदर, ताकि मतलब और किन लोगों को ये बाइक खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव्स की। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव्स है, तो सबसे पहले तो इसका परफॉर्मेंस है, आपको हिमालयन का इंजन मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलने वाला है बाइक का। सेकेंड है इसके अंदर अच्छी हैंडलिंग है आपको, मतलब और ब्रेकिंग्स भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। उसके बाद आपको स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी इसके अंदर मिल जाती है। जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट्स लगी और मतलब लॉन्ग ड्राइव पे भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। सो गाइस बात कर लेते हैं अब कॉन्स की। तो मतलब इसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन आपको मिलने वाला है बट उतना नहीं मिलने वाला जितना रॉयल एनफील्ड के अंदर मिलता था पहले, लेकिन बट अभी काफ़ी स्मूथ कर दिया है इसमें, लेकिन फिर भी इसके अंदर वाइब्रेशन है। तो लाइक यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑन अ हाई RPM। सेकेंड है इसका 11 लीटर का टैंक, तो मतलब 17 लीटर का जो हिमालयन में आता था अब इसके अंदर 11 लीटर का टैंक आपको मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप अगर इसको टूर पे लेके जा रहे हो तो आपको रिफिलिंग घड़ी घड़ी करना पड़ेगी। उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 11 लीटर के अंदर 300 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगी ये गाड़ी। अगर 35 का एवरेज भी आपको देगी तो 350 किलोमीटर चलेगी हाईवे के ऊपर। तो गाइस थर्ड पॉइंट है इसकी सीट की जो हाइट है, मतलब इसकी सीट की हाइट और भी थोड़ी सी कम कर सकती थी रॉयल एनफील्ड, तो जो शॉर्ट राइडर्स है वो काफ़ी कंफर्टेबली इसे चला सकते थे। रॉयल एनफील्ड की बाइक शॉर्ट राइडर्स जल्दी खरीदते नहीं है, एक तो हैवी होती है और थोड़ी हाइटेड होती है, तो उसके वजह से मतलब इनके सेल्स के अंदर भी फ़र्क पड़ सकता था अगर ये थोड़ी और शॉर्ट होती थी तो। सो गाइस नेक्स्ट है इंजन का हीटिंग। तो मतलब इंजन 450 का है तो डेफिनेटली हीट करेगा ही, तो ट्रैफिक के अंदर आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि ये इंजन हीट करे, क्योंकि मतलब ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ऑलरेडी गर्मी होती है मुंबई जैसे सिटीज़ के अंदर, और उसके अंदर इसकी हीटिंग तो वो थोड़ा आपको लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट 450 इंजन है, काफ़ी हाई CC है, तो आपको हीटिंग मिलना ही है इसके अंदर। मिरर है लिटरली कुछ काम के नहीं है, तो व्यू भी बराबर नहीं मिल रहा है इसके अंदर, और ये घड़ी घड़ी अपने पोजीशन से हिल जाते हैं, और ये साइड वाला तो पता नहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया था, मुझे पीछे का व्यू तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद एक पॉइंट है इसका जो नेविगेशन की जॉयस्टिक दी हुई है, वो जॉयस्टिक थोड़ी सी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, मतलब आप उसको बीच में दबाने जाते हो तो साइड में दबा चले जाती है। तो मतलब मेरे साथ ये हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ, या ये सर्टन बाइक के अंदर प्रॉब्लम है तो आई डोंट नो कि ये मतलब टेस्ट ड्राइव बाइक है तो लोगों ने मतलब उसको करके उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हो, बट ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया तो मैं उसको बता रहा हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं कि ये बाइक खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए आपको, और ये बाइक किन लोगों को खरीदनी चाहिए। तो भाई ये बाइक जिस प्राइस पॉइंट के अंदर मिल रही है और जो पावरफुल इंजन आपको मिल रहा है और मतलब क्वालिटी वाइज भी काफ़ी प्रीमियम है, जो लोग मतलब पावरफुल बाइक खरीदना चाहते हैं और मतलब जो एक्सपीरियंस राइडर है, देखो बिगनर्स को मैं नहीं बोलूँगा कि ये बाइक खरीदो क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है इसके अंदर, तो लाइक मतलब बिगनर्स इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, अगर खास करके जो टीनएजर्स है उनके लिए। सो गाइस आप एक डेली कम्यूटिंग के लिए मतलब एक पावरफुल बाइक देख रहे हो और आपको मतलब साथ में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी चाहिए, मतलब तो भाई वो लोग इस बाइक के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब बाइक अच्छी है, पावर वाइज अच्छी है, ब्रेकिंग्स अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, तो अच्छी है, बट कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव्स भी है जो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। तो मतलब और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मतलब जो प्राइस पॉइंट पे ये बाइक मिल रही है तो मतलब वो काफ़ी अच्छी प्राइस पॉइंट है, मतलब वैल्यू फॉर मनी बाइक है। सो गाइज अब आपके आपका डिसीजन है, आप इसका टेस्ट ड्राइव ले, उसके बाद ही आप डिसीजन ले कि आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450 को लेके। तो आपको ये रिव्यू कैसे लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही कार और बाइक्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।